Okay, students, in this video we are going to start with the process of reproduction, which is occurring in the bacteria. You know, my dear students, in a favorable condition, uh, they reproduce asexually, and in this condition, they have the food availability easily they are getting, and the atmospheric condition is also a favorable one. Chalo, next one, dikte yampe सो वेरी फर्स्ट मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड दैट इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है अच्छे से पहले सुनो कैसे और क्या होता है चलो ये जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए पहली बार फेडरिक ग्रफिथ करके एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने चूहों पर मतलब माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या किया कि ये जो बैक, ये जो माइस थे उसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को इंसर्ट किया और ये बैक्टीरिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ओके आई एम रिपीटिंग अगेन फेडरिक ग्रेफिद करके साइंटिस्ट थे उन्होंने माइस जो थे उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया का नाम है उनको इंजेक्ट किया और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया थे उसका दो स्ट्रेन था मतलब वो दो फॉर्म में अवेलेबल थे एक आर टू आर टू मतलब वो रफ़ बैक्टीरिया उसका पूरा जो सरफेस था वो रफ था इसीलिए उसको बोला आर टू स्ट्रेन और दूसरा है एस थ्री एस थ्री क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर एक स्मूद कैप्सूल होता है इसीलिए ये बैक्टीरिया को स्मूद बैक्टीरिया ऐसा बोला यहाँ पे दूसरी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो रफ़ बैक्टीरिया है वो रफ़ बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं था जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए और इससे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है उससे कोई डिसीज नहीं होता था माइस को इसीलिए उसको नॉन वायरुलेंट ऐसा बोला जो दूसरे बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया थे वो माइस के अंदर डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और डिसीज़ कौन सा न्यूमोनिया क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की स्ट्रीन है तो वो बैक्टीरिया है वो चूहों के अंदर माइस के अंदर डिसीज फैलाते थे चलो फिर उसने क्या किया फेडरिक ने उसने पहले एक्सपेरिमेंट में माइस के अंदर जो स्मूथ बैक्टीरिया थे उसको डाल दिए तो चूहे सब मर गए ओके फिर चलो मैं समझाती हूँ एक्सपेरिमेंट थ्रू वो उन्होंने कैसे किया था एग्जैक्टली सॉरी आई एम शोविंग हेयर हा वट इज़ अकर एक्चुअली इन द माइज बॉडी तो चलो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने क्या किया था चूहों के अंदर उन्होंने इंजेक्शन डाल दिया ओके और ये इंजेक्शन के अंदर उन्होंने क्या भरा था स्मूथ बैक्टीरिया जो न्यूमोनिया कोस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे तो जब इसको मतलब माइंस तो सब मर गए तो माइंस मर गया तो कुछ ऐसा दिखने को लगा उल्टा बॉडी हो गया इसका मर गया जब उसको डाइसेक्शन करके देखा गया तो उसके अंदर न्यूमोनिया बैक्टीरिया फैले हुए थे जिससे पता चला कि ये बैक्टीरिया है वो डिसीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओके चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया ये माइस के अंदर उन्होंने जो रफ़ बैक्टीरिया थे आर टू रफ बैक्टीरिया थे उसको उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस को कुछ भी नहीं हुआ ओके जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माइस के अंदर सेम यही एस्थ्री बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया पर उन्होंने क्या किया ये इंजेक्शन के अंदर जो एस्थ्री बैक्टीरिया थे उसको हीट किल कर दिया था मतलब उसको हीट करके मार दिया था फिर उसके अंदर इंजेक्ट किया तो ये सो जो माइस थे वो कोई भी मरे नहीं वो सभी माइस है वो लाइव रहे ओके और फोर्थ एक्सपेरिमेंट ने फोर्थ एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया ये जो माइस है वो माइस के अंदर उन्होंने रफ बैक्टीरिया प्लस एस्थ्री बैक्टीरिया जो हीट किल कर दिए हुए है उसको उन्होंने इंजेक्ट किया तो भी ये जो बैक्टीरिया है सॉरी ये माइस है वो डेड हो गए रीज़न इज़ वॉट फेडरिक को समझ में नहीं आया कि ये जो आर टू बैक्टीरिया रफ बैक्टीरिया है वो तो डिसीज नहीं कॉज करते वो लाइव रखे थे और एस थ्री जो स्मूथ बैक्टीरिया थे उसको मार दिया गया था ओके तो रफ से होता नहीं है ऐस को मार दिया था तो ऐसा क्या हुआ होगा जिससे माइस है वो मर गया और फेडरिक है उसको सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वो लोग अभी भी लाइव है तो दिमाग में एक सोच आई और वो सोच क्या बता रही थी कि मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो ये जो बैक्टीरिया है जो रफ बैक्टीरिया थे वो रफ़ बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए है मे भी वो रफ़ बैक्टीरिया उसका डीएनए है उसके साथ जो एस थ्री मतलब वायरुलेंट बैक्टीरिया है उसका जीन शायद ट्रांसफ़र हो गया होगा उसकी वजह से माई से वो मर गया है और उसका कंक्लूजन सही था जो एस थ्री मतलब वायरुलेंट बैक्टीरिया थे उसमें से रफ बैक्टीरिया आर टू बैक्टीरिया में जो ट्रांसफ़र वाल होने वाला जो सब्सटेंस था वो कुछ नहीं जीन मतलब डीएनए था तो उस पर से उन्होंने कंक्लूजन डाला कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल नथिंग एल्स ओके उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एवरी मैक्लिओड एंड मैकार्टी करके तीन साइंटिस्ट थे एवरी मैक्लिओड एंड मैकार्टी इन्होंने क्या किया जब ये जो बैक्टीरिया था ना वो बैक्टीरिया किस किस चीज़ों से बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं वो जीन मतलब डीएनए से बने होते हैं डीन डी, डी, डी जीन प्रोटीन एंड ऐए दू, दूसरे सब्सटेंस ये जो भी उसके कंपोनेंट्स है वो बारी बारी से एक बार उन्होंने ये बैक्टीरिया का प्रोटीन है वो माइस में डाला तो भी बैक्टीरिया मतलब सर्वाइव कर लिए फिर उन्होंने जीन डाला तो सर्वाइव नहीं करे ये मतलब कंक्लूजन उन लाने के लिए कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कि जो बॉडी के अंदर रेप्लिकेट होता है और उसके रेप्लिकेट का मतलब है री मतलब अगेन अपनी जैसी रेप्लिका रेप्लिका मतलब क्या बनाना कॉपी तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर खुद की कॉपी फॉर्म कर सकता है तो यहाँ से दे कंक्लूड दैट एवरी मेक्लियाड एंड मैकाटी का जो एक्सपेरिमेंट है वो बताना यहाँ पे चाहेगा कि यहाँ पे जो रफ बैक्टीरिया है उसमें जेनेटिक मटेरियल है वो ही सिर्फ ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी तो फिर मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है द एबिलिटी टू पिक अप द डी एन ए फ्रॉम सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द कम्प कंपिटेंस कंपिटेंस का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के पास ऐसी कौन सी कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो लोग अपना एनवायरनमेंट मतलब अपना सराउंडिंग मीडियम होता है सराउंडिंग मतलब जो मीडियम में वो रहते हैं वहाँ से वो सिर्फ डीएनए को पिकअप कर सकते हैं तो ये डीएनए को पिकअप करने की बैक्टीरिया की जो कैपेबिलिटी होती है उसको बोलेंगे कंपिटेंस ओके सो ये रिप्रोडक्शन था दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन है जो पहली बार लेडरबर्ग एंड टाटम ने ईकोली e करके बैक्टीरिया है उसके अंदर स्टडी किया था एज़ आई टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है उसको प्लाजमिड बोलते हैं प्लाजमिड के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ जीन होता है जो रिप्रोडक्शन होते वक्त दोनों बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बनती है और वो ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेटरी ट्यूब और ये कॉन्जुगेटरी ट्यूब थ्रू ये बैक्टीरिया अपना जीन है वो दूसरे बैक्टीरिया को देते हैं मैंने आपको आगे के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि जो बैक्टीरिया के पास ऐसा प्लाज्मिड होता है एफ फैक्टर वाला वो बैक्टीरिया को एफ प्लस प्लाज्मिड सॉरी एफ प्लस फैक्टर और एफ प्लस बैक्टीरिया या फिर उसको आप लोग फर्टिलिटी फैक्टर वाला बैक्टीरिया या फिर क्योंकि वो प्लाज्मिट दूसरे को दे रहा है तो आप लोग उसको डॉन बैक्टीरिया भी बोल सकते हो ओके दूसरा बैक्टीरिया जिसके ऊपर मैंने एफ़ माइनस लिखा है एफ़ माइनस मतलब क्या इसके पास प्लाजमिट नहीं है देखो मैंने ब्लू पेन से दिखाया हुआ है ऐसा प्लाजमिट इसके पास नहीं है ओके तो जिसके पास एफ़ प्लाजी या एफ फैक्टर नहीं है उसको हम लोग एफ़ माइनस बैक्टीरिया बोलेंगे एट द टाइम ऑफ द कॉन्जुगेशन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा ट्यूब फॉर्म होंगी और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे अपनी बॉडी में से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे और दूसरे बैक्टीरिया को देंगे ओके okay? चलो कॉन्जुगेटरी ट्यूब डिसअपियर होने के बाद जो एफ़ माइनस बैक्टीरिया है वो भी क्या बन जाते हैं एफ प्लस बन जाता है क्यों क्योंकि प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया है दैट्स व्हाई। right. चलो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट सॉरी ये दूसरा फिगर वो बता रहा है कि कॉन्जुगेशन के बाद दोनों ही बैक्टीरिया भी एफ प्लस एफ प्लस होंगे देखो पहली फिगर में मैंने दिखाया था कि इसके पास प्लाज्मिड नहीं था और अभी उसके पास प्लाज्ड आ गया है चलो दूसरा है एच एफ आर एच एफ आर मतलब हाई फ्रिकुवेंसी ऑफ रिजोल्यूशन हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ़ रिजोल्यूशन क्या है देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है और वेरी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है नीट लेवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओके okay, चलो मैं बताती हूँ व्हाट इज़ दिस एच एफ आर कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये जो रेड कलर का मैं शो कर रही हूँ इट इज़ अ प्लाज्मिड पार्ट ओके ये प्लाज्मिड है चलो ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो प्लास्मिड के जो जीन होते हैं वो जब दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं जब कॉन्जुगेशन होता है तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड का वो दूसरे बैक्टीरिया में नहीं जा सकता है कारण कि तुम्हें मैं विचारो कि ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो नेचुरल कंडीशन में हो रही है तो मे बी देर इज़ अ चांसेस कि जब ये दोनों के बीच में ऐसा कंजुगेटरी ट्यूब मिल रहा है और बन रहा है तो मे बी यहाँ पर सपोज़ ये प्रोसेस जहाँ पर हो रही है वहाँ पर सपोज किसी ने अचानक से वो मीडियम को हिला दिया या फिर वहाँ से कोई पास हुआ जिससे मीडियम हिल गया तो ये जो कॉन्जुगेटरी ट्यूब है वो टूट जाएगी और ये जो प्लाजमिड है इसका इतना ही पोर्शन ये बैक्टीरिया में जा सकता है ओके तो ये अभी जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होगा मैं शो करूँगी चलो ये जो बैक्टीरिया है ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है फाइन और ये प्लाजमिड का इतना ही पोर्शन इसके पास पहुंच गया ओके तो फिर ये बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा जो ये बैक्टीरियल जे, जेनेटिक मटेरियल है इसके साथ इतना प्लाजमिड का लेयर है और इतना ही जो पोर्शन है वो अटैच हो जाता है फिर इसके बाद इसकी जो कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन करने की या फिर मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म करने की वो इंक्रीज हो जाती है मैं बता दूं कि ये जो था ग्रीन कलर का वो बैक्टीरियल जीन है और जो रेड कलर का है वो प्लाज्मिड का जीन है ओके और ये प्लाज्मिड का जीन है इसीलिए उसका नाम है एपिजोम इसको क्या बोलेंगे एपिजोम और एपिजोम कंटेन करने वाला ये जो बैक्टीरियल जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेप्लीकेशन वो इंक्रीज हो जाती है और इसीलिए उसको बोलते हैं एच एफ आर हाई फ्रिक्वेंसी रिजोल्यूशन ओके क्योंकि दे हैविंग अ हायर कैपेसिटी टू फॉर्म अ जेनेटिक कॉपीज ओके तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रिजोल्यूशन में जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बाइंड होते हैं सो मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटीज के uh, जो बैक्टीरिया जिसके पास एच एफ आर है मतलब ये देखो जेनेटिक मटेरियल ऐसा और उसके पास इतना एपिजोम है ओके okay? और फिर जब एच एफ आर और नॉर्मल एच एफ माइनस मतलब ऐसा दूसरा भी बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है ऐसा ओके और इसको बोलेंगे एच एफ आर माइनस जब ये दोनों रिप्रोडक्शन करके एक दूसरे से बाइंड होंगे तब जाके क्या फॉर्म करेंगे एच एफ आर प्लस है वो तो एच एफ आर प्लस ही रहेगा पर ये जो जेनेटिक मटेरियल दूसरा बैक्टीरिया जिसके पास फैक्टर एफ फैक्टर नहीं है वो बैक्टीरिया भी एच एफ आर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ओके और उसका फ्रीक्वेंसी और रिजोल्यूशन है वो भी इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज ओके सो यहाँ तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पहला मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन था जो था ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ अ कॉन्जुगेशन एंड लास्ट वर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज अ ट्रांसडक्शन बहुत ही ईजी है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द फाइरस और इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन चलो ये भी पहली बार स्टडी किया था लेडरबर्ग एंड जिंडर ने और लेडरबर्ग एंड जिंडर ने अपना एक्सपेरिमेंट सालमोनेला टाइफिनेरियम बैक्टीरिया के अंदर किया था ये जो सालमोलेला टाइफी बैक्टीरियम है उसके ऊपर एक वायरस का इन्फेक्शन लगता है और वो वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज हम तुमने बहुत सारी रीते समझा दूँ कि जो बैक्टीरिया अपने जब वायरल इन्फेक्शन था ऐसे ही बैक्टीरियल सेल को भी वायरस का इन्फेक्शन लगता है जो बैक्टीरिया के सेल को वायरस का इन्फेक्शन लगता है वो बैक्टीरिया को वायरस का इन्फेक्शन लगता है इसीलिए इस वायरस को बैक्टेरियो फेज कहते हैं बैक्टेरियो फेज में मतलब ये होता है बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन फैलावा वाला वायरस चलो तो एज आई शो यू इन द फिगर दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया क्या करता है आ, उसकी सरफेस पर आ, ये जो वायरस है वो आता है अटैचमेंट देता है जो रेड कलर का मैंने शो किया है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है माय डियर स्टूडेंट्स ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में डाल देता है चलो फिर क्या करता है ये जो वायरस का जीन है वो ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का जीन है उसके साथ अटैचमेंट डाल देता है मतलब बैक्टीरिया जीन के साथ ये वायरस का बैक्टीरिया बाइंड हो जाता है फिर अभी जितनी भी बार बैक्टीरिया uh, का डीएनए है वो रिप्लिकेट होगा मतलब उतनी जितनी कॉपी बनाएगा उतनी ही कॉपी वायरस का जो डीएनए है उसकी भी बनेगी ओके okay? और ये मोड़ को जब ऐसे किया जाता है तो ये बैक्टीरिया को अभी हम लोग लाइसोजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया के साथ वो सिर्फ अपना खुद का बैक्टीरिया नहीं है पर उसके साथ वायरस का बैक्टीरिया है दट्स फिर क्या होगा कि जितना भी कॉपी बन रहा है वायरल डीएनए का उतना ही वो कैप्सिड फॉर्म करेंगे कैप्सिड मतलब क्या वायरस की बॉडी का आउटर कवरिंग उसको बोलेंगे कैप्सिड देखो मैं बताती हूँ फिगर में आपको चलो ये वायरस का बॉडी है ओके वायरस का बॉडी कुछ ऐसा होता है ये वायरस का बॉडी है ओके और यहाँ पे से लाइक स्ट्रक्चर होते ये वायरस का बॉडी है और वायरस के बॉडी में ये इसका जेनेटिक मटेरियल है ओके और वायरस का बॉडी का बाहर का कोटिंग होता है उसको बोलते हैं कैप्सीड ओके और ये उसका है वो जेनेटिक मटेरियल है तो एक बार बैक्टीरिया सेल में वायरस का जीन है वो बन जाता है तो फिर वो बनाना शुरू कर देता है कैप्सिड और एक कंडीशन ऐसा आता है कि बैक्टीरिया का सेल पूरा का पूरा वायरस से भर जाता है बैक्टीरिया का सेल रक्चर हो जाता है और वो वायरस को रिलीज कर देता है ये मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसडक्शन बोलेंगे ओके सो होप्सो कि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपके लिए क्लियर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे ये यह यहाँ तक आपको नोटबुक में लिख देना है कम्प्लीटली एंड यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क टू मी इन माय कॉन्टेक्ट नंबर अलोंग विद द फोटोज़ एंड पीडीएफ फॉर्म में भी करके मेरे को शेयर कर सकते हो